बात है कृषि भाई, मैं आपका हाल चाल बताऊँ। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको जो बाजरा होता है उसको हाथ से काटने के बाद जब बाली उसकी काट ली जाती है तो उसे एक कटर थ्रेसर के द्वारा निकाला जाता है, तो उसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं किस तरीके से निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है। तो उससे पहले किसान भाइयों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएँ, जिससे जो भी नया वीडियो हमारा पड़ेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। किसान भाई, आप देख सकते हैं इस समय ये कटर थ्रेसर चल रहा है जिससे बाजरा की मड़ाई की जा रही है। देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं हम पूरा प्रोसेस क्या होता है। इस तरीके से बाजरा की जो बाली है पूरे खेत में से काट के इकट्ठी कर दी जाती हैं, जैसे ये पड़ी हुई हैं इस समय, और उसको एक एक करके जो है तसले के द्वारा, जो परातों के द्वारा भर के, और जो है उसके बाद कटर के पास दे दिया जाता है। जो कटर पे जो डालने की जगह होती है वो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके की, इस तरीके की होती है, वहाँ पे उसे अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद जो है उसमें से दाना बहुत अच्छी तरीके से निकल के एक तरफ आ जाता है और कूड़ा एक तरफ चला जाता है। तो हम आपको दाना दिखाते हैं किस तरीके से निकल के आ रहा है इस समय, देखिए किस तरीके से दाना निकल के आता है। और उसके बाद जो है कूड़ा एक तरफ जाता है, तो कूड़ा हम आपको दिखाते हैं कूड़ा किधर जाता है वो भी हम दिखाते हैं, वो भी एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से इसमें कूड़ा एक साइड में चला जाता है। किसान भाइयों, अधिकतर जो बाजरे की मड़ाई होती है वो इसी तरीके से होती है, तो हम यही आपको दिखाना चाह रहे थे आज की वीडियो में। और किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। अगला वीडियो किस टॉपिक में होना चाहते हैं उसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।